स्टार्ट करते हैं फिनॉल का प्रोडक्शन फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, है ना। बीडीसी से हमने फिनॉल को रिड्यूस किया था इन हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर। तो वही मेथड यहां पे अगेन मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले बीडीसी जो है बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, उसको हम प्रिपेयर करेंगे एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। तो सिंपलेस्ट एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन इज कॉल्ड एनिलीन, जिसके अंदर बेटा हमें ऐड करना है कम ऑन NNO2 प्लस 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बट दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक सो विल कैरी आउट दिस रिएक्शन एट लो टेम्परेचर से 273 टू 278 केल्विन, सो विल गेट बीडीसी दैट इज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। दिस इज बेंजीन, 2 नाइट्रोजन, 2 मीन्स डाई, एन मीन्स एजो, प्लस मीन्स नियम, सीएल मीन्स क्लोराइड। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड विच इज अनस्टेबल ओके ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन डायएजो, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। नाउ इफ यू एड वाटर मॉलिक्यूल, फाइन, इफ यू वार्म द सॉल्यूशन बाय एडिंग H2O, that is H plus and OH minus, we know that nitrogen is the best living group. Nitrogen बेटा बढ़िया living group है, already हमने discuss कर लिया है organic chemistry में, ठीक है। Nitrogen यहाँ से निकल जाएगा H plus के साथ, यहाँ पे निकल गया बेटा Cl और benzene के ऊपर OH, लिख देंगे हम benzene dash OH, ये बेटा हो गया phenol produce। बड़ा ही simple method है और फिनॉल का नाम है कार्बोलिक एसिड। तो ये प्रोड्यूस हो गया बेटा फिनॉल फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।